16 दिसंबर 1971 की तारीख थी। भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में महज 13 दिनों के भीतर ही पाकिस्तान ने भारत के सामने घुटने टेक दिए थे। पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने अपने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया था और दुनिया के नक्शे पर जन्म हुआ था एक नए देश का, जिसका नाम है बांग्लादेश। आखिर क्यों हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच 1971 का युद्ध? कैसे नियाजी शब्द पाकिस्तान में एक गाली बन गया और क्या है बांग्लादेश बनने की पूरी कहानी, आइए जानते हैं। जिस घटना ने बांग्लादेश के लोगों को अलग राष्ट्र बनाने पर मजबूर कर दिया था वह था 1970 में हुआ पाकिस्तान का आम चुनाव। इस चुनाव के नतीजों ने पाकिस्तान के टूटने की कहानी लिख दी थी। एक ओर जहां पश्चिमी पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को ज्यादा सीटें मिली थी, वहीं दूसरी ओर शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग को इस चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सीटें मिली थी। पूर्वी पाकिस्तान की 169 में से 167 सीट मुजीबुर रहमान की पार्टी ने जीत ली थी। दोस्तों, पाकिस्तान की संसद में उस समय 313 सीटें थी और बांग्ला भाषी मुजीबुर रहमान की सरकार बनना लगभग तय थी, क्योंकि मुजीब के पास सरकार बनाने के लिए जबरदस्त बहुमत था। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान में बैठे सियासी लोगों ने इन चुनाव के परिणामों को मानने से ही इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति याहिया खान ने मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री बनाने की जगह जेल में डलवा दिया था, क्योंकि उन्हें यह गवारा नहीं था कि पूर्वी पाकिस्तान के मुजीबुर रहमान पाकिस्तान पर शासन करें। मुजीबुर रहमान के साथ हुए इस धोखे से पूर्वी पाकिस्तान में बगावत की आग तेज हो गई थी। लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने लगे थे और इस आंदोलन ने एक विद्रोह का रूप ले लिया था। इसके खिलाफ 7 मार्च 1971 को ढाका में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया था। इसके बाद शुरू हुआ बांग्ला मुक्ति संग्राम। कहानी की शुरुआत होती है अगस्त 1947 में, जब भारत से टूटकर पाकिस्तान एक अलग देश बना। उस समय यह दो हिस्सों में बटा हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान की आबादी बांग्ला भाषा बोलती थी, तो पश्चिमी पाकिस्तान में पंजाबी और उर्दू के साथ साथ अन्य भाषाएं भी बोली जाती थी। दोस्तों, रिलीजन के बेस पर पाकिस्तान का निर्माण तो हो गया था, लेकिन पाकिस्तान के दोनों हिस्सों ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में लंबी दूरी थी और दोनों की लैंग्वेज और कल्चर भी डिफरेंट थे। आज़ादी के कुछ साल बाद ही वेस्ट पाकिस्तान की ओर से ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के साथ डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गया था। देश के शासन प्रशासन पर पश्चिमी पाकिस्तान की ही चलती थी, वहीं के लोग राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से लेकर सेना तक में अहम पदों पर थे। फरवरी 1948 में पाकिस्तानी असेंबली में एक बंगाली सदस्य ने यह प्रस्ताव पेश किया कि असेंबली में उर्दू के साथ साथ बांग्ला का भी इस्तेमाल होना चाहिए। इस पर उस समय के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने कहा कि पाकिस्तान करोड़ों मुसलमानों की मांग पर बना है और मुसलमानों की भाषा उर्दू है। साल 1948 में जब उर्दू को पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान दोनों की राज्य भाषा बनाई गई, तो यह तय हो गया कि सभी सरकारी काम उर्दू में किए जाएंगे। उर्दू को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिलने के बाद बांग्ला भाषी लोगों में इसे लेकर गुस्सा भड़क उठा था। ढाका में छात्रों के एक बड़े समूह ने बांग्ला को बराबरी का दर्जा दिए जाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया, तो पुलिस ने निहत्थे छात्रों पर गोलियां चला दी थी, जिसमें कई लोग मारे गए थे। इस आंदोलन ने भाषाई पहचान को लेकर अलग देश की मांग के बीज बो दिए थे और फिर शुरू हुई अलग देश बनाने की मांग। इसके बाद पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह की आग धधक उठी, जिसे कुचलने के लिए पाकिस्तानी आर्मी को खुली छूट दे दी गई थी। इसकी कमान संभाली पाकिस्तान के जनरल आमिर अब्दुल खान नियाजी ने। नियाजी की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में जमकर अत्याचार किए, सेना पर कत्लेआम मचाने और रेप के भी गंभीर आरोप लगे थे। अक्टूबर से नवंबर 1971 तक पाकिस्तान में हालात खराब हो चुके थे। मुक्ति वाहिनी का गठन। मार्च 1971 में पाकिस्तानी सेना के बढ़ते जुल्मों के खिलाफ पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने हथियार उठा लिए थे और मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया गया था। मुक्ति वाहिनी सेना में सैनिक
अर्धसैनिक बलों के साथ साथ बड़ी संख्या में पूर्वी पाकिस्तान के आम लोग भी शामिल हुए थे। इन सभी लोगों ने पाकिस्तान की सेना पर गोरिल्ला युद्ध की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए हमले शुरू कर दिए थे। माना जाता है कि मार्च 1971 के अंत में भारत की सरकार ने मुक्ति वाहिनी की मदद करने का फैसला लिया। 31 मार्च 1971 की तारीख थी। इंदिरा गांधी ने भारत की संसद में भाषण देते हुए कहा कि पूर्वी बंगाल के लोगों की मदद की जानी चाहिए। 29 जुलाई 1971 को भारत की संसद ने पब्लिकली पूर्वी बंगाल के लड़ाकों की मदद करने की घोषणा की थी और भारत की आर्मी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी, जिसमें मुक्ति वाहिनी के लड़ाकों को ट्रेनिंग देना भी शामिल था। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मुक्ति वाहिनी के सैनिकों को ट्रेनिंग दिलवाई थी, जिससे पाकिस्तान की सरकार अंदर ही अंदर जल उठी थी। 1971 अक्टूबर नवंबर के महीने में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके सलाहकारों ने यूरोप और अमेरिका का दौरा किया और उन्होंने पाकिस्तानी सेना के पूर्वी पाकिस्तान में किए जा रहे जुल्म और नरसंहार के बारे में बताया। उस समय इंदिरा गांधी और अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के बीच बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। निक्सन चाहते थे कि पश्चिमी पाकिस्तान की सैनिक सरकार को 2 साल का समय दिया जाना चाहिए, जबकि इंदिरा गांधी ने कहा कि पाकिस्तान की स्थिति विस्फोटक है और वह तब तक सही नहीं हो सकती जब तक मुजीबुर रहमान को रिहा न किया जाए। उन्होंने निक्सन से यह भी कहा कि अगर पाकिस्तान ने भारत को उकसाने की कार्रवाई जारी रखी तो भारत एक्शन लेने में पीछे नहीं हटेगा। पूर्वी पाकिस्तान में आज़ादी का आंदोलन तेज होता जा रहा था। पाकिस्तान की सेना ने आंदोलन को कुचलने के लिए अत्याचार का सहारा लिया। पाकिस्तानी सेना के कत्लेआम और लगातार बढ़ते अत्याचार के चलते बड़ी संख्या में बांग्लादेशी भारत में शरण लेने पर मजबूर होने लगे। देखते ही देखते भारत में बांग्लादेशी शरणार्थियों की संख्या 1 करोड़ तक पहुंच गई थी। भारत सरकार ने न सिर्फ इन शरणार्थियों की मदद की बल्कि उनके लिए बिहार, बंगाल, असम और त्रिपुरा में राहत शिविर भी लगवाए। पाकिस्तानी सेना के आतंक से बचने के लिए बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों के भारत आने से शरणार्थी संकट बढ़ने लगा। इससे भारत पर पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने के लिए दबाव बन गया था। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारतीय वायुसेना के ठिकानों पर हमला बोल दिया था। भारत के अमृतसर और आगरा समेत कई शहरों को निशाना बनाया गया था। इसके साथ ही भारत पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। 13 दिनों तक चले इस युद्ध में भारतीय सेना के सामने पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे। 16 दिसंबर शाम 4:35 पर पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल खान नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया था। भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर हस्ताक्षर किए गए। इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर हस्ताक्षर करते समय जनरल नियाजी की आंखों में आंसू थे, जिसकी तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी थी। इसके बाद से ही नियाजी शब्द को पाकिस्तान में एक गाली के तौर पर जाना जाता है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश नाम का एक नया देश बना। शेख मुजीबुर रहमान आज़ाद बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बने और बाद में प्रधानमंत्री भी चुने गए।